press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे पास है वीवो का 1902 यानी वीवो का Y15 मॉडल और इसमें लगी हुई है FRP। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम बिना कंप्यूटर से फ्रेंड्स इस फ़ोन को अनलॉक करने वाले हैं। इसके लिए एक वाईफाई को कनेक्ट करना होगा। इसमें देखिए वाईफाई स्किप नहीं कर सकते हैं या फिर सिम लगा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई स्किप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम एक वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और एक वाईफाई ऐसे ही ओपन रख के छोड़ना है। यानी कि दो वाईफाई की ज़रूरत होगी, जिसमें एक को कनेक्ट करना है और एक से आपको एक सेटिंग करना है। जो कि एक वाईफाई कनेक्ट हो जाने के बाद आपको दूसरा नंबर वाईफाई पे क्लिक करना। हम आगे नेक्स्ट करके बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके गूगल आईडी मांग रहा है पुराने वाला या फिर फ़ोन का पासवर्ड, और हमें दोनों में से कोई भी मालूम नहीं है। तो हम इस फ़ोन को कैसे अनलॉक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गूगल अकाउंट मांग रहा है, तो हम बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद जो दूसरा नंबर वाईफाई है उसके राइट साइड कॉर्नर पे क्लिक करना है और ऊपर वाले ऑप्शन को ऑन करके कोई एक ऑप्शन में क्लिक करके कुछ टाइप करके और थोड़ा देर सिलेक्ट करके इसको टैप करके छोड़ देना है। अब यहाँ पे एक वेब सर्च आएगा, वेब सर्च पे क्लिक करके आपको एक ब्राउज़र खुलेगी और इस ब्राउज़र में एक वेबसाइट सर्च करना है जिसका URL है amtech99.xyz। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, amtech99.xyz। वेबसाइट टाइप करने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके और सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक करके वेबसाइट को खोल लेना है। वेबसाइट खुल जाने के बाद ऊपर में देख सकते हैं 3 लाइन दिख रहा है, क्रैक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके अब मेनू में जाना है। मेनू में FRP APK पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसमें से जो बहुत सारे में से डाउनलोड करना है। तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा एक 1.1 का APK गूगल अकाउंट APK है, तो हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, अब हमें कुछ सेटिंग करके इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल हो जाने के बाद FRP APK डाउनलोड करके गूगल अकाउंट लॉगिन करना है। तो हम जो ये मेथड यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये वीवो के लगभग हर एक फ़ोन में बहुत सारे नए मॉडल में ये मेथड यूज होती है और सक्सेसफुली FRP अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पे FRP APK डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड हो जाने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करना है, ओपन करने के बाद ऊपर में 3 डॉट की दिख रहा है, उस पर ब्राउजर साइन इन क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कोई भी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इंटर कर देते हैं और लॉगिन कर जाते हैं। आप यहाँ पे नया ईमेल आईडी भी बना सकते हैं, अगर आपको कोई ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आप नया ईमेल आईडी भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन हो जाने के फ्रेंड्स बाद में आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ़ोन को रीसेट करना है। हम गलती से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिए थे, आपको स्विच ऑफ नहीं करना है, आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। और आप मेरे तरह गलती कर चुके हैं, स्विच ऑफ किए हैं, तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए और आगे नेक्स्ट कीजिए और बढ़ाते जाइए, जैसे फ़ोन को रीसेट करने के बाद किया जाता है। अब आपसे ईमेल आईडी नहीं मांगा जाएगा, आपको वाईफाई कनेक्ट रहने देना है और किसी वाईफाई को डिसकनेक्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट एडेड आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई जाती है ताकि आप लोग का हेल्प हो सके।
आप लोग को परेशानी ना हो। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे शिकायत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।